एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। वह बहुत ही मेहनती थे और जहां भी जाते एक साथ जाते थे। पतलू, आज चलो घूमने चलते हैं कहीं। हाँ ठीक कह रहे हो मोटू, कहाँ चलोगे घूमने? चलो जंगल में घूमने चलते हैं, यदि हमें सूखा लकड़ी दिख जाएगा तो हम लेके आएंगे। पतलू तैयार हो जाता है तो मोटू और पतलू जंगल में घूमने चले जाते हैं। उन्हें जाते जाते बहुत से जीव जंतुओं को देखते हुए जाते हैं। मोटू पतलू से बोलता है, पतलू यह कितना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। हाँ मोटू, बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा है, हम दोनों पहले ही क्यों नहीं घूमने आए। मोटू और पतलू बहुत घूमते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं और वापस घर आने की प्लान करते हैं। और मोटू पतलू घर की ओर लौटते हैं तो उन्हें एक पक्षी को बाज मार रहा था, तो उन्होंने उस पक्षी को बचाते हैं। पक्षी को बहुत घाव लग जाता है तो पक्षी को साथ घर लेके आते हैं, उनका मलहम पट्टी करते हैं। मोटू पतलू से बोलता है, पतलू यह पक्षी कितना सुंदर है, काश हमेशा हम दोनों के साथ रहती तो कितना अच्छा होता। हाँ मोटू, सही कह रहे हो, पर यह ठीक हो जाएगी तो उड़कर चली जाएगी और हम दोनों को भूल जाएगी। नहीं भूलूंगा और नहीं जाऊंगा तुम दोनों को छोड़कर, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। पतलू, हम दिन में भी सपना देखने लगे हैं, लगता है यह पक्षी बोल सकता है। तुम दोनों सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम पक्षी होकर बोल रही हो, और भी कोई पक्षी को बोलते हुए नहीं देखा है। मेरा नाम टुनी है, हमारे बाबा ने हमें बोलने की कला सिखाया है, और हमारे बाबा जादूगर थे। मोटू पतलू और टुनी चिड़िया बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे और वहाँ उसके गांव में पता नहीं कहाँ से एक बैल आकर आतंक मचा रहा था, सभी जानवरों और बच्चों को खा रहे थे, सभी भाग रहे थे और वह मोटू पतलू और टुनी चिड़िया अपने घर में बात कर रहे थे। तो मोटू बोलता है, चलो हम तीनों बाहर गांव घूमने चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारा गांव को देख लूँगा कि तुम्हारा गांव कैसा है। तीनों मोटू पतलू और टुनी चिड़िया गांव घूमने चले जाते हैं तो वहां उन्हें चिल्लहट की आवाज सुनाई देती है। भागो भागो बचाओ बचाओ का आवाज सुनाई देता है तो वो तीनों दौड़ कर जाते हैं और तो वहां देखते हैं तो चुड़ैल सभी को परेशान कर रही थी। मोटू बोलता है, रुक जाओ चुड़ैल, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम क्या मारोगे मुझे, मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। चुड़ैल मोटू और पतलू को अपने जादू से बहुत बड़ा घाव मार देती है तो टुनी चिड़िया गुस्से से बोलती है, चुड़ैल तुमने सही नहीं किया,
मेरे मित्रों को घाव मारकर अब तेरा खैर नहीं। तुम छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ोगी, चलो देखते हैं। पहले चुड़ैल अपने जादू से हमला करती है तो टुड़ी चिड़िया अपने जादू से उनका जादू को रोक देती थी और उस पर आक्रमण कर देती थी। बहुत देर तक यह लड़ाई चलता रहा चुड़ैल और टुड़ी चिड़िया में, और मोटू पतलू देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, इसे जादू भी आता है। आखिर में चुड़ैल थक कर हार मान लेती है। मुझे माफ कर दो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पहले तुम्हें मेरे दोनों दोस्तों से माफी मांगना पड़ेगा और उसके बाद तुम कहीं दूर चले जाओगी और कभी मत आना। चुड़ैल मोटू और पतलू से माफी मांगकर वहां से दूर चली जाती है और यहां मोटू पतलू और टूनी चिड़िया भी अपने घर चले जाते हैं हंसी खुशी से। एक दिन मोटू जंगल में घूमने गया तो वहां एक आदमी रो रहा था, तो मोटू उस आदमी के पास गया और बोला, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरा नाम पतलू है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे अंदर एक चुड़ैल है, इसी कारण मैं पेट भर खाना नहीं खा पाता हूँ। ऐसा बात है, चलो मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। मोटू पतलू को घर लेकर जाता है तो मोटू की पत्नी मोटू से पूछती है, आप किसे लेकर घर आ गए जी? मैं जंगल में गया तो ये मुझे मिल गए और यह बहुत दिन से भूखे हैं। ये जब भी खाना खाते हैं चुड़ैल इन्हें परेशान करती है, खाना खाने नहीं देती है। अच्छा, पहले हम खाना खिलाकर देखते हैं चुड़ैल कैसे परेशान करती है। मोटू और उसकी पत्नी पतलू को खाना खिलाने लगती है तो एक दो बार खाने पर चुड़ैल उसके खाने में मेंढक डाल देती है तो पतलू मोटू से बोलता है, ऐसे ही हर रोज कुछ ना कुछ डाल देती है खाने में चुड़ैल। पतलू घबराओ मत, मैं एक बार और लेकर आता हूँ। मोटू फिर से पतलू को खाना खिलाता है तो इस बार मक्खी को डाल देती है तो पतलू उदास होकर बोलता है, बस करो भाई, आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हो? पतलू, तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हें पेट भर खिला के ही रहूँगा। मोटू फिर से खाना लेकर आता है तो पहले पतलू की आँख पर पट्टी बांध देता है, फिर पतलू खाना खाता है तो पतलू के खाने में मेंढक आता है तो पतलू उसे भी खा लेता है और पतलू पेट भर कर खा लेता है और तो पेट में से चुड़ैल बोलती है, पतलू मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकाल दो। अब तुम पेट में रहो, कल टट्टी के साथ बाहर निकलना। पतलू, अब खाना पेट भर खाकर कैसा लग रहा है?
अरे भाई, खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम दोनों साथ रहेंगे, कहीं मत जाना, हम दोनों मित्र बनकर रहेंगे। मोटू पतलू और उसकी पत्नी एक साथ रहते हैं, और जब पतलू को टट्टी लगती है तो पतलू टट्टी करता है, और टट्टी के साथ चुड़ैल बाहर निकल जाती है और बहुत दूर चली जाती है, और पतलू खुशी से जिंदगी जीने लगता है। मोटू पतलू एक साथ रहते हैं।